हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में करने वाले हैं हम इनविटेशन का रिप्लाई, जिसमें हम इनविटेशन को डिक्लाइन करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने इनविटेशन लिखना नहीं सीखा है तो उसका वीडियो आपको आई लिंक में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। उसी के साथ इनविटेशन का रिप्लाई, जो हमने इनविटेशन एक्सेप्टिंग का लिखा था, उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा, उसे भी आप चेक कर सकते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। ये जो रिप्लाई है, ये फॉर्मल इनविटेशन के लिए होता है और इसे लिखा जाता है, हमें कोई निमंत्रण मिलता है उसके जवाब में, और इसका जवाब देना जरूरी होता है। ये बात आपको पता चल जाएगी जब आप इनविटेशन का जो वीडियो देखोगे, उसमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। नोट, निमंत्रण का जवाब लिखते समय हमें किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना है वो हम डिस्कस करते हैं। रिप्लाई की भाषा होती है वो एकदम साधारण होनी चाहिए। रिप्लाई में एकदम स्पष्ट लिखा होता है आप सेलिब्रेशन में शामिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जब कोई समारोह में शामिल होने को तैयार होता है तो निमंत्रण को स्वीकार कर लेता है या एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन जब कोई समारोह में शामिल होने में असमर्थ होता है तो वह निमंत्रण को अस्वीकार कर देता है या डिक्लाइन कर देता है और समारोह में शामिल नहीं हो पाने का कारण देता है। यह कारण याद रखो, हमें क्वेश्चन में मिलेगा, वहीं से हमें पिकअप करना होगा। इनविटेशन का जो जवाब लिख रहा होता है उसके हस्ताक्षर या नाम नीचे नहीं लिखा जाता, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अब इसका फॉर्मेट देखते हैं, डिक्लाइनिंग द फॉर्मल इन्विटेशन। इसके लिए सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स में सबसे स्टार्ट में जो रिप्लाई दे रहा है उसका नाम लिखना है, मिस्टर लिख के उसका नाम लिखना है जो रिप्लाई कर रहा है। अगर आप रिप्लाई कर रहे हैं तो आपका नाम वहां आने वाला है। उसके बाद में आपको लिखना है थैंक्स। थैंक्स के बाद में आपको लिखना है होस्ट का नाम। होस्ट कौन? जिसने आपको इनविटेशन दिया था, उसका नाम लिखना है। फिर आपको लिखना है फॉर देयर काइंड इनविटेशन टू अटेंड। अब इसके बाद में आपको फंक्शन का नाम लिखना है, और ये फंक्शन का नाम भी आपको पर्सन से ही मिलेगा, और होस्ट का नाम भी आपको पर्सन से ही मिलेगा। उसके बाद ऑन लगा के आपको लिखना है डेट, सेलिब्रेशन किस डेट को होना है वो लिख देना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, एट लगाना है और टाइम दे देना है, फंक्शन शुरू कब होने वाला है उसके बारे में बताना है। इसके बाद में आपको लिखना है एंड ऑनवर्ड एट। इतना लिखने के बाद में आपको क्वेश्चन में जगह दी हुई होगी, फंक्शन किस जगह पे सेलिब्रेट किया जाना है। अगर नहीं दी हुई है आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। इसके बाद में आपको लिखना है, इन्विटेशन को डिक्लाइन कर रहे हैं इसलिए आपको लिखना है But regrets for being unable to attend it due to लिखने के बाद में आपको वापस क्वेश्चन में जाना है और वहां से हमें कारण उठाना है, कारण रीजन किस वजह से आप फंक्शन में नहीं जा रहे। हो सकता है आप बिजी हो, कोई ऐसा काम हो जो उसी दिन करना है जिसे आगे एक्सटेंड नहीं किया जा सकता, और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी तबीयत खराब हो, आपके फैमिली में किसी की तबीयत खराब हो। तो जो भी रीजन होगा वो क्वेश्चन से हमें मिलेगा। उसके बाद में हम क्या करते हैं, एक लाइन लिखनी होगी लास्ट में, उसमें होगा अगर लिखने वाला कोई मेल है तो वही लिखेगा ही विशेस एवरी सक्सेस टू द फंक्शन, और अगर लड़की होगी तो वो ही की जगह सी लिख देगी, और अगर एक से ज़्यादा को इनवाइट किया गया था और वो साथ में आंसर दे रहे हैं तो वो दे लिख देंगे। अब हम देखते हैं प्रश्न, प्रश्न के अनुसार हम कैसे इस इनविटेशन को करने वाले हैं। यू आर अनुराग अवस्थी, आप अनुराग अवस्थी हैं। यू हैव रिसीव्ड एन इनविटेशन लेटर फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड स्टाफ ऑफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर। यू हैव टू अटेंड कैरियर डे फंक्शन ऑन 15 February 2021, और टाइमिंग दिया है इसने एट 10 AM एज चीफ गेस्ट, आपको चीफ गेस्ट बनाया जा रहा है। और राइट ए रिफ्यूजल, आपको यहाँ मना करना है, रिफ्यूजल लिखना है आपने टू द इनविटेशन
owing to you are being busy in an important meeting. अब इसका रिप्लाई लिखते हैं. रिप्लाई लिखने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक बॉक्स बनाना होगा. बॉक्स के अंदर सबसे पहले हमें गेस्ट का नाम, गेस्ट कौन है, अनुराग अवस्थी है, तो आपने लिखा अनुराग अवस्थी. उसके बाद आपने लिखना थैंक्स. थैंक्स के बाद में फिर आपको क्वेश्चन में जाना है. और इनविटेशन किसने दिया था, द प्रिंसिपल एंड स्टाफ ऑफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर. ये आपने क्वेश्चन से उठा लिया. इसके बाद में आपको अपनी तरफ से लिखना है फॉर देयर काइंड इन्विटेशन. ये आपने खुद लिखा है. इसके बाद वापस आप क्वेश्चन में गए, आपने फिर से उठाया कि आपको किस चीज़ के लिए इन्वाइट किया गया था, एज द चीफ गेस्ट ऑफ कैरियर डे फंक्शन ऑन 15 फरवरी 2021. इसके साथ टाइम देना है, ये भी क्वेश्चन में था, एट 10 AM ऑनिंग एट स्कूल कैंपस सीकर. आपने जगह का नाम भी दे दिया ऑनिंग ऑन लगा के. ये भी क्वेश्चन से लिया है, क्वेश्चन में नहीं हुआ आप अपने हिसाब से कर सकते हैं. इसके बाद में पैरा चेंज करके हम लिखेंगे बट ही रिग्रेट्स फॉर बींग अनेबल टू अटेंड इट्स ड्यू टू करके आपको वापस क्वेश्चन में जाना है. क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में इन्होंने बताया था आप बिजी हैं इन एन इम्पोर्टेंट मीटिंग, तो आपको लिखना है यहाँ पे एन इम्पोर्टेंट अनअवॉइडेबल मीटिंग ऑन द सेम डे. हो गया इतना काम. इसके बाद में आपको एक लाइन लिखनी है केवल, ही बेस्ट विशेस एवरी सक्सेस टू द फंक्शन. इन्विटेशन कम्प्लीट. आपको इसके नीचे कोई भी सिग्नेचर या नाम नहीं लिखना है. अब आपने देखा कितना आसान था इन्विटेशन लिखना, क्या आप इसे भूल पाएंगे, नहीं ना. और अगर समझ में नहीं आया हो तो आप एक दो बार इसे रिपीट कर सकते हैं. फिर भी समझ में नहीं आए आप कमेंट करें मुझे, मैं आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करूँगा. थैंक यू वेरी मच.